by LK International School, अकोना शेर घाटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं GCP न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मानवी ठाकुर। लगभग 6 लाख रुपए प्रति माह खर्च होने के बाद भी नहीं मिल रही समुचित शिक्षा। चतरा शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्थित 7 शिक्षक पर एक भी विद्यार्थी नहीं। नामांकित बच्चों की संख्या 388, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी हैं 55, पर उपस्थिति है नदारद। कमरों में लटका है ताला। शिक्षक तो उपस्थित रहते हैं पर बच्चों की नहीं है उपस्थिति। बच्चे ना रहने के कारण सिर्फ शिक्षक अपना आते हैं समय बिताने के लिए, रसोईया से खाना बनवाते हैं और भोजन कर निकल जाते हैं। सरकार इस स्कूल में सभी शिक्षकों का वेतन तथा मध्यान्ह भोजन पर लगभग 6 लाख प्रतिमाह खर्च कर रही है, लेकिन जिस उद्देश्य से उच्च विद्यालय की स्थापना हुई इसका लाभ यहाँ विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा है। यहाँ के विद्यार्थी जोली तथा चतरा के विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। उच्च विद्यालय की स्थापना वर्ष 2012-13 में हुई है। उच्च विद्यालय के होते हुए भी यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ न मिलना बहुत दुखद है। विद्यालय के किचन शेड भी नहीं है। शौचालय की स्थिति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पूछे जाने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक घनश्याम यादव ने बताया कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 388 है। 9वीं तथा 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या 55 है। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी से विद्यालय खुला है पर आज तक विद्यालय में बच्चे नहीं आए। हम लोग गाँव में जाकर बच्चों के अभिभावकों से मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 50% बच्चे उपस्थित होते हैं। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी सर, विद्यालय खुला है? हाँ। कितने तारीख को खुला है विद्यालय? 4 तारीख से। अच्छा, 4 तारीख को खुला। तो बच्चे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? बच्चों लोगों को सूचना दिया गया, हम लोग घूम घूम करके बोल भी रहे हैं बच्चे आएंगे। तत्काल में यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? 7 टीचर हैं हम लोग। अच्छा, 7 टीचर हैं। 4 हाई स्कूल के हैं, 1 पारा टीचर और 2 जो है सो प्राइमरी टीचर। फिलहाल देखा जा रहा है कि एक भी बच्चे नहीं है, क्या कारण है कि बच्चे यहाँ पे नहीं है? वही बच्चों को सूचना दिया गया है बच्चे लोग आएंगे। अच्छा, कब से आएंगे? 4 तारीख से तो स्कूल खुल गया है, उधर सरस्वती पूजा के चलते नहीं आ पाए, लेकिन बच्चों को बोला जा रहा है, घूम घूम करके हम लोग बोले हैं, गार्जियन को भी बोले हैं। नामांकन इस विद्यालय में कितना बच्चे का है? 388 है टोटल। अच्छा, फिलहाल 9th और 10th का खुला हुआ है? हाँ, 9th 10th का स्कूल। अच्छा, उसमें कितना नामांकन है? 55। 55 लड़का और लड़की है कितने? तो देख के लड़का लड़की देख के बताना होगा, टोटल 55 है। मैट्रिक अथी 9th 10th से 55 है? हाँ, 31 9th में है और 24। तो सभी बच्चे आते हैं? नहीं, टोटल तो बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि 50% 60% उपस्थिति रखता है मेरे। अच्छा, आप अपना नाम सर थोड़ा बता दिए। घनश्याम यादव, प्रभारी प्रचार। स्कूल क्या का नाम सर? UHS सिकित। सिकित। अच्छा, यहाँ पे देखा जा रहा है कि बाउंड्री भी नहीं है। हाँ, बाउंड्री नहीं है। तो बाउंड्री के लिए आप आगे के करवा? हाँ, ग्राम सभा में डाले हुए हैं जी। यहाँ पे शौचालय की स्थिति बहुत ही खराब है, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? शौचालय है ठीक है। शौचालय ठीक नहीं है, हम उधर से देख के आ रहे हैं। हाई स्कूल के अंदर जो है उसमें है शौचालय। अच्छा, उसमें शौचालय मेरा काम कर रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए GCP न्यूज। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।